हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर सेशन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, एंड फॉर मोर अपडेशंस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, लेट अस नो बिट अबाउट अवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस। स्टूडेंट, हमारा जो पहला कोर्स है वो उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो घर बैठकर ही इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स, ये 10th of September से स्टार्ट हुआ है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारा फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है HPS एग्जाम का, जो कि 20th October से स्टार्ट हो गया है। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स 200+ GS लेक्चर्स, नोट्स आपको 3000+ पेजेस के इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, 75 लेक्चर्स जो हैं इसमें सी सेट के इंक्लूड रहेंगे, टेस्ट सीरीज प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है, ये भी इसका इस कोर्स का एक हिस्सा रहेगी। करंट अफेयर मैगजीन स्टूडेंट्स प्रिलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं, ये भी इस कोर्स का एक हिस्सा है। मॉक इंटरव्यू सेशंस, आपके मॉक इंटरव्यूज कराए जाएंगे, सेशंस लगाए जाएंगे, और जो भी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको डाउट रहते हैं आपकी तैयारी से संबंधित, उनसे संबंधित वीकली लाइव डाउट क्लासेस भी रहेंगे। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 22,500 रुपीज, सो यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी। आप इस मौके को गवाए ना और घर बैठकर ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल स्क्रीन पे है, व्हाट अमाउंट इज रिलीज्ड बाय ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर HP शिवा स्कीम। ऑप्शन ए 45 करोड़, बी 75 करोड़, सी 65 करोड़, डी 53 करोड़। आंसर करेंगे, पहला सवाल स्क्रीन पे है आपके। तो जिन जिन का आंसर है बी 75 करोड़ इज द राइट आंसर। बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है, और बेसिकली हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट कहा जाता है, और हिमाचल सरकार की लगातार ये कोशिश है कि प्रदेश को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया बनाया जाए। अब अपर एरिया में हमारे बहुत फ्रूट्स होते हैं, एप्पल होता है और भी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स होते हैं, बट जो लोअर रीजन है वहां की स्पेशलिटी कुछ और है। जो सब ट्रॉपिकल का क्षेत्र है आपका, जिसमें ऑरेंज, लीची, प्रोमोग्रेनेट, गुआवा, ये प्राइमरी रूप से फ्रूट्स होते हैं लोअर रीजन में, तो इनके प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 75 करोड़ रुपया सेंक्शन किया गया है। अभी खबरों में इसलिए रहा, ये अमाउंट तो बहुत पहले सेंक्शन कर दिया गया था इसी साल अर्ली मंथ्स में ही, बट इसमें अभी सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी है कि इस साल HP शिवा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत काफी अमाउंट जो है वो खर्च किया गया है, काफी इसके तहत आपके ऑर्चिड्स लगाए गए हैं और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट जो है, डिफरेंट बाग बगीचे जो है लोअर रीजन में लगाए गए हैं, और बेसिकली फार्मर्स को इसकी तरफ इनकरेज किया है, कैंपेन्स हुए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग आपके कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए गए हैं, ताकि आपके लोअर क्षेत्र में भी फ्रूट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा, हॉर्टिकल्चर की तरफ रुझान बढ़े किसान का। अगले सवाल पे आते हैं। इंडिया हैज री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC फॉर अ डैश टर्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे, ऑप्शन ए 2nd, B 4th, C 6th, D 8th। क्वेश्चन नंबर 2, सो कितनी बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में री इलेक्ट हुआ है इंडिया। सो ऑप्शन सी जिन जिन का है, 6th इज द राइट आंसर। छठी बार ऐसा हुआ है कि री इलेक्शन इंडिया का इसमें हुआ है। इंडिया स्टूडेंट्स 193 नेशंस के वोटिंग जो हुई है उसमें भारत को 184 वोट्स मिले हैं, मतलब बहुत ही एक बड़े मार्जिन से भारत इसमें री इलेक्ट हुआ है। मिनिमम वोट जो रिक्वायर्ड थे जीतने के लिए 18 सीट्स थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में, और मिनिमम जो वोट थे वो थे 97। इलेक्शन इलेक्ट होने के लिए 97 वोट मिनिमम चाहिए थे, बट 184 वोट जो हैं अकेले आपको मिले हैं इंडिया के फेवर में आए, तो री इलेक्ट हुआ है 3 साल के लिए। 3 साल के बाद चुनाव होंगे फिर से, सो एक बहुत ही खुशखबरी की बात है भारत के लिए।
ये 47th एडिशन था आपके यूएन मेंबर काउंसिल्स का. सो अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर, हाँ एक और सवाल यहाँ पे जरूर याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI. हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन ए MS साहू, अमित रस्तोगी, सहदेव यादव, नवरंग सैनी. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करेंगे. सो जिन जिन का आंसर है डी, नवरंग सैनी इज द राइट आंसर. अभी रिसेंटली नवरंग सैनी जी को जो है IBBI का चेयरपर्सन बनाया गया है. अब थोड़ा सा IBBI के कंटेक्स्ट में बात कर लें, किस प्रकार की ये संस्था है. ठीक है, IBBI जो है इट वॉज फाउंडेड इन 2016, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी. ये एक रेगुलेटरिंग बॉडी है फॉर ओवरसीइंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. जितने भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं उनका सर्विलेंस करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है. हेडक्वार्टर इसका जो है वो है न्यू दिल्ली. ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन. नवरंग सैनी जो है इन्हें इसका अभी नया चेयरपर्सन बनाया है. सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इससे पहले MS साहू जो थे वो रिटायर्ड हुए हैं 5 साल की अपनी सर्विसेज को खत्म करके. ठीक है चले, सो अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4. इंडिया हैज वॉन 2021 सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल फाइनल टाइटल बीटिंग डैश. ऑप्शन ए नेपाल, बी मालदीव्स, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स काइंडली आंसर. सैफ गेम्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है ये चैंपियनशिप. महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जी स्टूडेंट्स, आंसर करें. सो ऑप्शन ए जिन जिन का है नेपाल इज द राइट आंसर. 3-0 से भारत ने नेपाल को इसमें हराया है. ठीक है, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा इंडियन प्लेयर्स का. इसमें कुछ प्रोमिनेंट जो नाम रहे, सुनील छेत्री, सुरेश सिंह, वेंजिंगम एंड साहल, इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा. माहे मालदीव्स में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था. ठीक है, अब स्पेशल क्यों है कि इसमें जो टॉप स्कोरर रहे वो रहे सुनील छेत्री ने पूरे टूर्नामेंट में 5 गोल किए हैं और लियोनेल मेस्सी के बराबर इन्होंने गोल कर लिए. इंटरनेशनल गोल अब इनके हो गए हैं 80 और लियोनेल मेस्सी के भी 80 गोल हैं. अगर कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर हैं ये दोनों. ठीक है, पहले नंबर पर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, अभी सबसे ज्यादा गोल उनके हैं. दूसरे नंबर पर सुनील छेत्री और लियोनेल मेसी का नाम आता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है. अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5. The geosceptical energy map of India has been recently launched jointly by ISRO and option A Geological Survey of India, Ministry of Mines, Niti Aayog, none of the above. Question number 5. So jin jin ka answer hai C Niti Aayog, C is the right answer. Abhi bahut hi fine initiative liya hai Niti Aayog ne geosceptical energy map ऑफ इंडिया लॉन्च किया है. ठीक है, जो कि होलिस्टिक पिक्चर्स प्रोवाइड करेगा जितने भी ऑल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, बड़े छोटे जितने भी आपके प्राइमरी सेकेंडरी आपके एनर्जी रिसोर्सेज साइट्स हैं उनके बारे में जानकारी देगा ताकि एनर्जी नीड्स भारत की जो है वो बढ़े और सभी जगह का सही प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन सही प्रकार से हो सके, प्लांट्स जो है इन सभी एरियाज में लगा सकें. So, इसके नीति आयोग के साथ कलैबोरेट इसरो ने किया था एंड एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन का इसमें रोल था. सो बहुत महत्वपूर्ण है भारत की ग्रोइंग नीड्स को देखते हुए, एनर्जी नीड्स को देखते हुए बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है ये. अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन.
Second, India is ranked at 71 position in Global Food Security Index 2021. हाँ जी स्टूडेंट, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे. चारों स्टेटमेंट्स आपके सामने, दोनों स्टेटमेंट सामने हैं, आंसर कीजिए. सो जिनजिन का आंसर है सी, सॉरी बी, जो सेकंड स्टेटमेंट है वही आपकी करेक्ट है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया इज रैंक 71st और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं जारी किया जाता है. ठीक है, तो अभी जानेंगे क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सभी एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे. तो अभी भारत ने 71वां स्थान लिया है, ठीक से 113 देशों में से 71वां स्थान है. इंप्रूवमेंट थोड़ा देखने को मिल रहा है, लास्ट टाइम जो है इट वॉज 110, ठीक है, 101 इसकी पोजीशन थी और 2020 का ये डाटा रहेगा, 21 का तो इस बार का है. ठीक है, और ये जो है बेसिकली इंडेक्स, इसे डिजाइन किया गया है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा, और स्पॉन्सर्ड इसे किया है कोटेवा एग्री साइंस एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा. ठीक है, सो अब किन पैरामीटर्स को इस पे ध्यान में रखा जाता है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये इसका 10th एडिशन था इस इंडेक्स का. तो अफोर्डेबिलिटी फूड की कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है फूड की, क्वालिटी एंड सेफ्टी मेजरमेंट ऑफ द फूड ये देखे जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस जो है फूड के किसी देश में वो कैसे हैं. तकरीबन कुल मिला के 58 यूनिक पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है. ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कुशीनगर एयरपोर्ट इन यूपी इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन इंडियाज लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सेकंड स्टेटमेंट, कुशीनगर इज नोन एज बुद्धास बर्थ प्लेस, इट इज पार्ट ऑफ बुद्धा सर्किट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम. सो इसी प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम भी ऐसे सवाल आपसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि यू गॉट एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू आस्क इन योर एग्जाम. सो काइंडली आंसर स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट स्टेटमेंट, क्या ऑप्शन सही होगा. सो जिनजिन का ऑप्शन है बी, ठीक है, 1 and 3 इज द राइट आंसर. कुशीनगर जो है, डेथ जो जहां हुई थी, लुम्बिनी बाग में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, और डेथ जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी. तो बर्थ प्लेस नहीं है, बर्थ प्लेस आपका लुम्बिनी बाग है, ये ध्यान रखेंगे. सो अभी रिसेंटली बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है, कुशीनगर एयरपोर्ट जो है इनॉग्रेट किया गया, इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, स्पेशली बुद्धिस्ट सर्किट को ध्यान में रखते हुए. बुद्धिस्ट सर्किट जो हमने अभी स्कीम की बात की थी स्टूडेंट्स, स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है, ये 2004-05 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा लॉन्च की गई थी स्वदेश दर्शन स्कीम. ठीक है, इसमें स्पेशली बुद्धिस्ट सर्किट की बात की गई है कि भाई एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक ही बस ट्रेन या आपकी एयरलाइन सर्विसेज के माध्यम से सभी बुद्धिस्ट आपके रीजन्स को कवर किया जाएगा, चाहे लुम्बिनी बाग की बात करें, सारनाथ, गया, ठीक है, सभी जो महात्मा बुद्ध से संबंधित पिलिग्रिम साइट्स हैं उनको कवर किया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया भर से जो भी लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं और इन एरियाज को विजिट करना चाहते हैं उनको फायदा मिले, और जो टूरिज्म है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, और वर्ल्ड क्लास साइट्स इनको बनाने की बात की गई है. तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है. इस इनॉग्रेशन के समय श्रीलंका ने भारत को 2 मुराल पेंटिंग्स गिफ्ट की है, जिसमें से एक तो है सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र जो थे, अपने बेटा और बेटी दोनों को ही श्रीलंका भेजा था सम्राट अशोक ने, पुत्र महेंद्र और जो उनकी बेटी थी, पुत्री थी संगमित्रा. तो ये जो पोर्ट्रेल जो है मुराल पेंटिंग से, इन्हीं से संबंधित है. महेंद्र का पोर्ट्रेल है जिसमें वो मैसेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं श्रीलंका के किंग उस समय के जो थे, देवनम पे 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 दिया पे पिया. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है नाम, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट है आपका संगमित्रा. तो संगमित्रा को थेरी भिकुनी भी कहा जाता है. इन्होंने सेक्रेड बोधि ट्री की जो सैपलिंग्स हैं उनको कैरी किया हुआ है इमेज में. ठीक है, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स है इंपॉर्टेंट सवाल और हिस्टोरिकल फैक्ट है, जरूर पता होना चाहिए. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द भास्करवदा अ
लूनी सोलर कैलेंडर विल बी यूज्ड एज एन ऑफिशियल कैलेंडर? ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर एट, सो सही जवाब है ऑप्शन ए असम। ठीक है, भास्कर वदा जो है ये लूनी कैलेंडर, लूनी सोलर कैलेंडर से कह दिया जाता है। अभी रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई हम इस कैलेंडर को अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉलो करेंगे इसी कैलेंडर को, ठीक है, ऑफिशियली। सो लूनी सोलर कैलेंडर क्या होता है, पहले तो उस पर चर्चा कर लें। लूनी सोलर कैलेंडर मीन्स कैलेंडर जिसमें कैलेंडर का मंथ जो है वो लूनर रहता है, जबकि जो एयर्स हैं वो उसमें सोलर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी इन मिडल ईस्ट एंड ग्रीस, उनके द्वारा इसे फॉलो किया जाता था। एंड तकरीबन जॉर्जियन कैलेंडर और आपके लूनी सोलर कैलेंडर का बीच का जो एयर्स का गैप है वो 593 सालों का है। तो अभी रिसेंटली इसे फॉलो किया जा रहा है। भास्कर वर्ष जो शब्द है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भास्कर जो है, भास्कर वर्मन, ये लोकल रूलर थे असम के 7th सेंचुरी के समय में। इन्हीं के नाम पर इस लूनी सोलर कैलेंडर को ये नाम दिया गया है। ठीक है, ये बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए। एंशियंट नेम ऑफ असम वॉज कामरूप, कामरूप किंगडम था पूरा। सो चलिए स्टूडेंट्स, और ये कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धना के। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिले हो, एंड डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग न्यू। इसी प्रकार से डेली हमारे सेशंस के साथ आप जुड़े रहेंगे। कुछ कारणों की वजह से आज हम आपका लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं, बट इट डजेंट मीन दैट फ्रादर वी विल नॉट कॉन्टिन्यू विद लाइव सेशंस, आपके लाइव ही सेशंस होने हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।